आत्महत्या करने वाले युवक के परिजनों से बालोद भाजपा जिला अध्यक्ष ने किया मुलाकात। प्रदेश सरकार की नाकामियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता पर ग्रहण लगा दिया है। प्रदेश सरकार की अकर्मण्यता से विवश होकर गुरूर विकासखंड के ग्राम पंचायत कोचवाही में प्रधानमंत्री आवास योजना का भुगतान नहीं होने पर कथित होकर आत्महत्या करने वाले आदिवासी युवक सीत कुमार के परिजनों से मिलकर बालोद भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार एवं अन्य नेताओं ने संवेदना व्यक्त की और इस दुख की बेला में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि सरकार मुआवजा दे नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं मृतक की मां रुक्मणी एवं उसके चाचा कुश कुमार ने बताया कि घर बनाना जरूरी था तो उधार लेकर बनाना शुरू किया। उन्होंने अपनी जमीन भी बेच दी, उसके बाद भी उधारी का भुगतान नहीं हो पाया। जिनसे उधार लिया वे लोग रुपए की मांग करने लगे, जिससे वह परेशान रहता था और उन्होंने आत्महत्या जैसे घातक कदम उठा लिया। आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, जो यहाँ के हमारे सीत कुमार नेताम जी, जो कश्मीर जिसको मृत्यु हुआ है, आप सबके सामने में, जैसे माता जी ने कहा कि प्रधानमंत्री का जो किस्त है, जो हमें एक ही किस्त मिला है, बाकी किस्त पैसा मिला नहीं है। वास्तव में शासन की, छत्तीसगढ़ शासन की, क्योंकि केंद्र के पैसा 60% सरकार को मिल चुका है, लेकिन 40% ये राज्य सरकार उस प्रधानमंत्री में राशि देता है, लेकिन यहाँ के सरकार ने इतना घोर लापरवाही किया, प्रशासनिक अधिकारी ने घोर लापरवाही किया कि मकान अधूरा है, इनके कारण कर्ज में दबे होने के कारण हमारे नौजवान साथी आज हमारे बीच में नहीं है, वो अपने आप को आत्महत्या कर लिए। निश्चित ही दुखद घटना, हम सब इसकी निंदा करते हैं। इनके विरुद्ध में हमारे भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले सभी पदाधिकारी 27 तारीख को एक बृहद आंदोलन करेंगे। घटना सीत कुमार नेताम, पता नहीं आर्थिक मानसिक परेशान कर्जदार मन बार बार घर में आए और आवाज बना रही से ओकर वजह से, तो शासन प्रशासन से मांग है कि ओकर परेशानी ला देखते हुए जल्दी से अपन सहयोग दे, और हमार पंचायत के तरफ से हमन जितना भी सहयोग कर सकथन करे प्रयास करत हन। धन्यवाद। बालोद से KP चंद्राकर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।